अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सुबह हो गई है, आज सैटरडे है तो छुट्टी है हर तरफ। इस पास से जाना, छुट्टी है हर तरफ तो हम जा रहे हैं, ये मैं और मेरा दोस्त दुकान पे रोटी लेने के लिए। तो तुर्की में अगर आप आते हैं ना, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप कौन सा फूड लें, यानी खाने में क्या आप खाएँ तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। यहाँ पर एक ऐसा खाना है जिसको अगर आप खाएँगे तो आपका सारा टूर जो है वो बर्बाद हो जाएगा और आप पेट की बीमारी में मुबतला हो जाएंगे और पेट आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो उसके लिए जो है ना फूड की सिलेक्शन अच्छी करें। वैसे तो यहाँ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन दूसरे मुल्क से आए लोगों के लिए परेशानी बन जाती है किसी भी नई जगह पर जाके खाना और ये वो। तो मैं आज आपको यहाँ का फूड दिखाऊँगा और बताऊँगा कि आप कौन सा फूड लें जिससे आपका 10 दिन का 15 दिन का जो भी टूर हो वो आपका बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत गुजरे, उसमें आपको कोई बीमारी कोई परेशानी ना हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है? तो मेरे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और वो घंटी भी दबा दें, बहुत शुक्रिया जी। तो दुकान तो मिल गई हमें और हम दुकान पर आ गए, अभी मैं आपको बताता हूँ। सलाम वालेकुम, देवा मामला जी। तो यहाँ पर इस तरह का तंदूर होता है, यहाँ से आपको पिद्दे मिलते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन पिद्दे आप नहीं खाने। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तुर्की तो आपने पिद्दा नहीं खाना। पिद्दा अगर आपने खा लिया तो हाँ उस्ता हो। तो पिद्दा नहीं खाना आपने, पिद्दा अगर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपका पेट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पिद्दा अगर आप फसली खाते हैं तो इसमें बहुत सारा मैदा और ऐसा कुछ मिला होता है जो आपका पेट ख़राब कर देता है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो 2-3 दिन मेरा भी पेट ख़राब रहा था। तो अगर आप टूर पर आते हैं, छोटा टूर होता है 7 दिन का 10 दिन का या 15 दिन का, तो उस दौरान आप पिद्दा ना खाएँ। बाकी लावश मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी यहाँ पर खूबसूरत किस्म की, वो आप खा सकते हैं। ये पिद्दा बन रहा है जो मैंने आपको बताया, पिद्दा खाने से आप बीमार हो जाएंगे, पिद्दा नहीं खाना तुसी। ते बाकी लावश होता है यहाँ पे, लामा जून है और एक मिक्स सोमी मिलती है, इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो आप बेशक खाएं। इस तरह में तंदूर हर जगह पे हर दुकान में मिल जाता है, इसी में पिज़्ज़ा बनाते हैं, इसी में पिद्दे, इसी में लावश, इसी में लामा जून, सारा कुछ इसी में बनता है। ये देखिए, ये इस पर रख दिया है इन्होंने, ये अंदर आग लगी हुई है और इसमें अंदर चलेगा, ये अंदर से बैठी देखिए, ये इसके अंदर पड़ा है। ये भाईजान ने बना के दिया वीडियो अंदर से, तो पिद्दे बन रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, पिद्दे ही चल रहे हैं, सुबह सुबह पिद्दे ही चलते हैं इधर। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ना बुझे। तो ये हो गए पिद्दे साढ़े पैसे दे। तो अभी साफ आई वाला पढ़ाई करते जी। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि यार वीडियो बना लें आपकी ये ना बनाएं, तो फिर मैंने उसे परमिशन ली है, तो उसने कहा कोई मसला ही नहीं बना दो आप वीडियो। मुझे कह रहा था मेरी शेप वगैरह नहीं हुई, मैं ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं आप अच्छे लग रहे हो। तो वीडियो बनाई वहाँ पर, तो जो बन रहा था ना पिद्दा मैंने आपको दिखाया, ये नहीं खाना अगर आप 8-10 दिन पर आए हैं तो ये आप नहीं खाना बिल्कुल। ऐसे को पूछ लो क्यों भाई तेरे के बनी पिद्दा खा, 8-10 खाना चाहिए पता, कोई तकलीफ ही नहीं, मतलब वाशरूम जाए। कोई टेंशन नहीं।
पिद्दा खान की वजह तो मैं वाशरूम ही नहीं आया भाई, हफ्ता पूरा तो मैं वाशरूम ही नहीं जा सकिया, यानी इतना मसला इन्हां हो गया ही। इस वास्ते आपने पिद्दा नहीं खाना, पिद्दे के अलावा कुछ भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पर इनकी एक सब्ज़ी बनती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मटर होता है ना, उस तरह की वो सब्ज़ी होती है। वो भी किसी होटल पे अगर आप चले जाएँ तो वो बड़ी मज़ेदार लग रही होती है वैसे देखने में, लेकिन वो उन्होंने छिलकों समेत और ऐसे कुछ करके पकाई होती है, तो वो भी अगर आपने खा ली ना तो आपका हो सकता है मैदा स्वेल भी हो जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप नाजुक मिजाज हैं तो खाना ज़रा एहतियात से खाना है। बाकी यहाँ पर बड़ा बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, नाश्ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आप खाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन मंगा लो जो मर्ज़ी करो। तो ये है जनाब खाने के हवाले से, तो खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। गड्डी मेरी कोई नहीं भाई, अच्छा खाना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। तो खाने के हवाले से मैंने आपको बताया, तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।